75তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সারা বছর ধরে অমৃত মহোৎসব পালন করা হবে। শনিবার শিলিগুড়ি কাওয়াখালী কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের গ্রুপ সেন্টারে অমৃত মহোৎসব পালন করা হয়। আসাম থেকে শুরু করে পাটনা পর্যন্ত সাইকেল র্যালির আয়োজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের পক্ষ থেকে সেই সমস্ত সাইকেল লিস্টদের আজ সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং তারা এখান থেকে পাটনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এই অমৃত মহোৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিকিমের রাজ্যপাল শ্রী গঙ্গা প্রসাদ, উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি সাংসদ জয়ন্ত রায়, এসএসবি আইজি এবং সিআরপিএফের ডিআইজি। আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা, নজর কাড়া খবর। इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं साइकिल रैली के द्वारा से। नॉर्थ ईस्ट से भी ये स्टार्ट हुआ है, क्या कहेंगे? पहले तो नॉर्थ ईस्ट देश से अलग माना जाता था, आज की डेट में क्या सिचुएशन है सर? अभी देखिए, नॉर्थ ईस्ट की ओर केंद्र सरकार का काफ़ी ध्यान है और ये मानना है कि नॉर्थ ईस्ट जो है अपने आप में काफ़ी पोटेंशियल है और देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा योगदान मैंने होगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट और अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और यह भी है, अब तो यह हुआ कि सरकार ने इस बात को भी ध्यान दिया है कि कोई न कोई मंत्री हर महीने किसी न किसी प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में जाया करे और नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का सहयोग आज सरकार का मिल रहा है और आम जनता के अंदर भी काफ़ी उत्साह है। और साथ ही साथ जिस समय श्रीमती सुषमा जी विदेश मंत्री थी, उस समय नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्री को एक बैठक की, एक नॉर्थ ईस्ट के सभी गवर्नर्स का एक बैठक किया और एशियान कंट्री के साथ कैसे सहयोग कैसे बढ़े, एशियान कंट्री के लोगों के साथ बैठक किया और यह है कि एशियान कंट्री जो अगल बगल जो भी देश है उनके साथ एक सहयोग करते हुए और एक हर दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, उद्योग के दृष्टिकोण से, माने सबों का हेल मेल हो, इस दृष्टिकोण से काफ़ी माने आज काम कर रहे हैं और इस प्रकार नॉर्थ ईस्ट आज काफ़ी आगे बढ़ रहा है, काफ़ी तरक्की कर रहा है और निश्चित रूप से भारत के आर्थिक विकास में, भारत के हर प्रकार के विकास में नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा सहयोग आज साबित हो रहा है और आगे और तेज से बढ़ेगा।